फाइनली देश की पहली बुलेट ट्रेन अपने रास्ते में आने वाली सारी रुकावटों को चीरती हुई निकल गई है। जी हाँ, आज हमें अपने चैनल पर यह बताने में बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि महाराष्ट्र में भी 100% लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो चुका है। काफी लंबे समय से चल रहा एक विवाद था जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाई थी, फिर भी मैं यहाँ पर आपको याद दिला दूँ। गोदरेज और वाइफ कंपनी लैंड एक्विजिशन के चलते इस प्रोजेक्ट में बार बार आड़े आ रहे थे। दरअसल जहां पर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए अंडरग्राउंड टनल के एंटर पॉइंट को कंस्ट्रक्ट करना है, तो ये जो लैंड है वो गोदरेज और वाइस्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के पोजीशन में आती है। इतना ही नहीं, यहां पर स्टेट गवर्नमेंट और NHSRCL ने कई बार दबाव भी डाला कि कंपनी एंटायर प्रोजेक्ट में देरी कर रही है, और वहीं कंपनी के अथॉरिटीज ने सवाल उठाए थे। पिछले साल अक्टूबर 2022 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस कंपनी को मुआवजे के रूप में 264 करोड़ रुपीस जमा किए थे, फिर भी कंपनी ने एक्विजिशन को गैर कानूनी बताया। लेकिन भाई, ये सपना पीएम नरेंद्र मोदी जी का है और इसे तो पूरा होना ही था। इस हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को नेशनल इम्पोर्टेंट और पब्लिक इंटरेस्ट का करार देते हुए अदालत ने गोदरेज और वाइक्स कंपनी द्वारा दायर किए याचिका पर विचार करने से इनकार ही कर दिया। फाइनली इस प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्विजिशन 100% कंप्लीट हो चुका है, एंटायर प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल चुकी है, और अब महाराष्ट्र में भी इस प्रोजेक्ट पर काम काफी तेजी से किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब तो बस इंतजार है बुलेट ट्रेन को पटरियों पर दौड़ते देखने का। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो, हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय।